नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। बिजनौर एसपी के सख्त आदेश, 40 से ऊपर हुई रेस तो हो जाएगा केस। दरअसल जनपद बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने नहटोर के हल्दोर चौराहे पर पहुंचकर लिया कावड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। भोले के भक्त हरिद्वार से भारी संख्या में जल लेकर वापस अपने घर लौट रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक बिजनौर दिनेश सिंह ने नहटोर के हल्दोर चौराहे पर पहुंचकर हल्दोर चौराहे से गुजर रहे कावड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ है कहना। आज कावड़ यात्री हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं बहुत अधिक संख्या में, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ आया था और सारे यातायात डाइवर्जेंस लागू किए जा चुके हैं। मैं आपके माध्यम से जितने भी वाहन हम डाइवर्ट कर रहे हैं जनपद में कांवड़ियों की भारी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उन सबको हिदायत की जाती है कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे और यदि इससे अधिक से वाहन बस या कमर्शियल वाहन चलाते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक बिजनौर दिनेश सिंह ने बताया कि आज से भारी संख्या में कांवड़ यात्रा पूरे जनपद से गुजर रही है, जिसको लेकर बड़े वाहनों के रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। कांवड़ियों की अधिक संख्या को देखते हुए वाहन चालकों को हिदायत दी जाती है कि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक वाहन नहीं चलाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर सीओ धामपुर इंदु सिद्धार्थ, कोतवाल राधेश्याम, उपनिरीक्षक बबलू सिंह आदि पुलिस बल मौजूद रहे। देखिए संवाददाता इसरार अहमद की है खास रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक डीपीपी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक कमेंट पे शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।